हेलो माय फ्रेंड, स्वागत है आपका फार्मिंग सिमुलेटर की एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। तो पिछले पार्ट की अगर बात करें ना, तो पिछले पार्ट की भाई पक्का पक्का मेरे को याद नहीं है, क्योंकि आज है ना हम ये वाला गेम बहुत ही दिनों के बाद खेल रहे हैं। फिर भी मैं आपको मोटा मोटी बताऊं तो पिछले पार्ट में शायद हमने है ना ये वाला साइलेज बनाया था और जो अपनी गाय है ना भाई उनका पेट भरा था, क्योंकि अपनी गाय बहुत दिनों से भूखी थी। चलो अब हम आज के गेम प्ले वीडियो की भी बात कर लेते हैं। तो आज की गेम प्ले वीडियो में हमें है ना मेनली दो काम करने हैं। एक तो जो अपनी गाय है ना इन्होंने बहुत सारा दूध दे रखा है, एक तो इनका हमें दूध बेच के आना है, और एक दूसरा भाई हमें है ना आज अपने फार्म पे नए एनिमल की एंट्री करनी है। और नया एनिमल होगा हमारा सिप यानी कि भेड़। आज हम अपने खेत में है ना भेड़ वगैरह भी पालनी शुरू कर देंगे, ठीक है। लेकिन इन चीजों से पहले मैं आपको काफी सारी चीजें दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ऑफ कैमरा अपने खेत में है ना काफी सारी चीजें कर रखी हैं, ठीक है। जल्दी से मैंने जो भी चीजें अपने खेत में कर रखी है ना वो सारी चीजें मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भाई मैंने एक मेल बॉक्स लगा दिया है, यहाँ पे अगर मेरे को कोई मेल वगैरह डालना चाहे ना तो यहाँ पे आके डाल सकता है और अपना खेत वगैरह भी घूम सकता है। दूसरी चीज अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो मैंने यहाँ पे दो मौसम विभाग के कुछ अंतर लगा रखे हैं, इनके साथ मैं ये देख सकता हूँ कि कब कितनी बारिश होगी और कितनी बारिश हुई है या कितनी तेज हवाएं अभी चल रही हैं या चलेंगी, ये सारी चीजें मैं इनके साथ है ना चेक कर सकता हूँ। लेकिन अभी मेरे को ये वाली चीजें चेक करनी नहीं आती, इसके लिए मेरे को एक मैकेनिक बुला के लेके आना पड़ेगा जो मेरे को ये सारी की सारी चीजें सिखा सके। चलो अब मैं आपको अपनी तीसरी चीज दिखा देता हूँ। तीसरी चीज मैंने यहाँ पे अपने घर का जो रास्ता है ना यहाँ पे काफी सारे पत्थर बिछा दिए, क्योंकि यहाँ पे है ना बार बार भाई बारिश आती रहती है, जिसके कारण यहाँ पे है ना कीचड़ वगैरह हो जाता है और मैं बार बार भाई फिसल के गिर जाता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ पत्थर अपने रास्ते पे बिछा दिए हैं। अब भाई मैं आराम से अंदर जाऊंगा ना तो फिसलूंगा नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें दिखा दी, अब बारी है भाई ये जो पिकनिक स्टॉल है ना ये भी मैंने अपने गेट के सामने ही बिल्कुल लगा दिया है। इसके ऊपर मैंने काफी सारा खाना भी रख दिया है और एक मैंने भाई केक भी मंगवाया है, क्योंकि आज मेरे पापा का बर्थडे है जो कि कनाडा में बैठे हुए हैं, इसलिए मैं आराम से यहाँ पे केक काटूंगा और उनका बर्थडे बना के आराम से खेती बाड़ी करेंगे, ठीक है। और मैंने क्या कर रखा है, और एक ये वाली चीज भी बनाई थी भाई, लेकिन इसको मैं ना खोल नहीं पा रहा, पता नहीं क्या हो गया। और एक मैंने यहाँ पे अपने खेत के सामने डेकोरेशन वगैरह करने के लिए यहाँ पे दो गुड्डे से बना दिए, और तो मैंने शायद कुछ किया नहीं। और एक सच्ची यार मेरे को याद आ गया, जो अपना डॉग है ना उसको मैंने पिछली 5-6 वीडियो अपनी बीत चुकी है, लेकिन अभी तक उसको खाना ही नहीं डाला। तो एक बार जो अपना लकी है ना उसको मैं खाना डाल देता हूँ, बेचारा भूखा होगा अभी भाग के आएगा। कहाँ पे लकी भाई, जल्दी आ जा, मैंने तेरे लिए खाना भी डाल दिया। कहाँ गया भाई अपना लकी, पता नहीं यार अपना लकी डॉग कहाँ पे गया, और कहते ही आ गया। चलो ठीक है, आराम से भाई खाना खा ले, उसके बाद हम दोनों आराम से बैठ के केक काटेंगे और बर्थडे बनाएंगे, और मैं अपने डोगी को भी थोड़ा बहुत केक खिला दूंगा, क्योंकि अभी तो भाई हम दो ही बंदे हैं खेत में, ये और मैं, अभी तो मेरा एकमात्र सहारा यही है। चलो ये सारी चीजें तो आपने देख ली, और इन चीजों से हटके मैं आपको एक बहुत ही मस्त चीज दिखाने वाला हूँ, जिसको देखने के बाद आपका दिल है ना बहुत ही ज्यादा खुश होगा, क्योंकि मैंने एक मस्त चीज खरीद रखी है जो कि मैं अभी चलाने वाला हूँ। देखना, लेफ्ट शिफ्ट और हमें एल दबाना है, उसके बाद देखना ये देखो क्या निकले पटाखे, और अभी ऊपर जाके फूटेंगे तो देखना भाई कितने मस्त लगेंगे। ये देखो भाई कितनी मस्त चीज ले रखी है मैंने, और ये वाली चीज लेने के लिए अपने को है ना बहुत ही ज्यादा पैसा लगा है। देखना भाई कितनी तेज आवाजें आ रही हैं, दोबारा से चला के दिखा देता हूँ। वैसे एक बार चलाने के बाद है ना अपने आप चलते ही रहते हैं ये देखो भाई कितनी मस्त मस्त रॉकेट लगाई है मैंने यहाँ पे, एक बार और चला के देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट काम करेंगे, ठीक है। अभी देखना अभी दोबारा निकलेंगे यहाँ से, अभी मैं कुछ भी नहीं दोबारा, ये देखो अपने आप निकल रही है। अगर आपको भी भाई ये वाली चीजें अपने गेम में चाहिए ना, तो एक फायरवर्क्स नाम का मोड है वो डाउनलोड कर लेना, उसके बाद शिफ्ट और एल दबा देना, अपने आप पटाखे चलने लगेंगे, और शिफ्ट प्लस के दबाएंगे ना तो पटाखे आराम से बंद हो जाएंगे, अभी बंद हो जाएंगे थोड़ी देर में, ये लास्ट है ये वाला, और देख लेते हैं भाई क्योंकि बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है पटाखे छोड़ने में। चलो अब अपने पटाखे बंद हो चुके हैं, क्योंकि मैंने राइट शिफ्ट एंड के दबा दिया है, तो अपने पटाखे अब बंद हो चुके हैं। अब जल्दी से है ना काम पे भी ध्यान दे लेते हैं, काफी सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी। सबसे पहले काम में हमें क्या करना है कि जितने भी अपने पास एनिमल है ना उनकी हेल्थ वगैरह चेक कर लेते हैं। तो गायों की हेल्थ चेक करने के लिए मेरे को, बाकी मैं यहीं से है ना दोनों की हेल्थ चेक कर सकता हूं, तो अपनी गायों की हेल्थ देखो भाई 100% हो चुकी है। पिछले कुछ वीडियो से है ना अपनी गायों की हेल्थ बिल्कुल जीरो चल रही थी, और चिकन की देखेंगे तो चिकन की भी भाई हेल्थ फुल है, और ग्रेन वगैरह सब कुछ मैंने फुल फुल डाल रखा है इनको खाने के लिए। और अपनी गायों क्या देखेंगे तो इनके पास 10,958 लीटर, ये नहीं, हाँ यही है शायद टोटल है ये, तो इनके लिए मैंने काफी सारा खाना डाल रखा है। और गायों ने भाई अपनी ने दूध दे रखा है 2 टन 452 लीटर, तो गायों ने काफी सारा दूध दे रखा है। सबसे पहले हमें है ना मार्केट में जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को मिल्क बेचने के लिए ना एक मिल्क टैंक लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ये वाला जो अपना फैंडी ट्रैक्टर है ना इसको उठा लेता हूँ, इसको क्या उठाऊंगा भाई, यही मेरे को उठाएगा, इसके अंदर बैठ जाता हूँ मैं, और फटाफट इस ट्रैक्टर को मार्केट में लेके चलते हैं जहाँ से मैं मिल्क टैंक खरीद पाऊँ।
तो अभी अपने जो सामने वाला खेत है ना, ये बिल्कुल खाली पड़ा है, इस वाले खेत से हम निकाल सकते हैं। वैसे मैंने अपने गेम सेटिंग में वो वाली सेटिंग भी कर रखी है कि मैं किसी के खेत से अपना ट्रैक्टर निकालूंगा ना, तो उसकी बंदे की है ना फसल खराब नहीं होगी, तो मैं कहीं से भी अपना ट्रैक्टर निकाल सकता हूँ, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। ठीक है, चलो मैं सीधा शॉर्टकट मार के मार्केट में पहुँच चुका हूँ। जल्दी से उतर के भाई मिल्क टैंक खरीद लेते हैं, अपने ट्रैक्टर को एक बार यहाँ पे रोकते हैं और नीचे उतर के सीधा मार्केट के अंदर घुस जाते हैं। चलो मार्केट के अंदर मैं आ चुका हूँ। अभी अपने को एक टैंकर लेना है और टैंकर हमें है ना एनिमल पे जाना पड़ेगा शायद पहले। चलो एनिमल पे मैं आ गया हूँ, इसके अंदर हम पानी डाल सकते हैं, इसके अंदर भी पानी। भाई हमको है ना दूध वाला टैंकर लेना है, इसके अंदर भाई चार निशान हमको मिल जाते हैं, इसके साथ हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। शायद ये वाला जो निशान है ना ये मिल्क का होगा, ये तो वाटर का है, और ये भाई पता नहीं क्या है दोनों, ये शायद फर्टिलाइजर वगैरह होगी। तो ये वाला ट्रैक्टर मैं एक बार खरीद लेता हूँ। क्या मैं इसको मॉडिफिकेशन भी कर सकता हूँ, इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं? तो एक बार इसका कलर चेंज करके देखते हैं, थोड़ा ब्लैक नहीं भाई, ब्लैक तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके अंदर दूध डालेंगे भाई, इसका रंग है ना थोड़ा सा व्हाइट ही रखते हैं, और रिम कलर हम ये वाला और भी ज्यादा व्हाइट कर लेते हैं। अब देखो भाई हमारा टैंकर कितना ज्यादा तगड़ा लग रहा है। तो ये हमको पड़ रहा है पूरा $25,000 में, इसको मैं है ना बाय कर लेता हूँ, और जल्दी से भाई इसको खेत में लेके चलते हैं, उसके बाद भाई मस्त मिल्क बेचेंगे और हमारे पास पैसा ही पैसा हो जाएगा। चलो हमारा टैंकर हमारे सामने आ चुका है और इसके ऊपर शायद हम चढ़ भी सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, जल्दी से ट्रैक्टर को इसके साथ जोड़ लेते हैं। अपना टैंक अपने ट्रैक्टर के साथ जुड़ चुका है, जल्दी से इसको खेत में लेके चलते हैं और मस्त भाई टैंक के अंदर मिल्क भर लेते हैं। ओ भाई देखना भाई किसकी गलती है, एक बार बताना कमेंट करके। मैं आराम से जा रहा हूँ और बंदे ने भाई बीच में ही गाड़ी ठोक दी। कोई बात नहीं बेटे, ठोक ले, हमें कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे क्या स्क्रैच लगेंगे भाई, उसकी फिर भी नई गाड़ी है, उसकी गाड़ी में तो स्क्रैच वगैरह लग सकते हैं, ट्रैक्टर में क्या स्क्रैच लगेंगे। तो इसको जल्दी से हम खेत में लेके चलते हैं और देखना यार ट्रैक्टर कितना ज़्यादा तगड़ा लग रहा है अपना। चलो अपना ट्रैक्टर अपने खेत में आ चुका है और अभी इसको है ना बस लगाने की बारी है, उसके बाद हमारे टैंकर के अंदर मिल्क शायद अपने आप डलता रहेगा। तो मैं टैंक को कहाँ पे खड़ा करूँ एक बार देख लेते हैं, शायद यहाँ पे रिफिल वगैरह का ऑप्शन हो, शायद यहाँ पे जो आगे वाला ऑप्शन है ना इसी के ऊपर मेरे को टैंक लगा के खड़ा करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा और मैं आगे कर लेता हूँ, ये देखो भाई स्टार्ट रिफिलिंग आ चुका है, अभी हम इसके अंदर है ना दूध भर सकते हैं आराम से। चलो मैंने रिफिलिंग शुरू कर दी है और अपने टैंक के अंदर पूरा 2453 लीटर दूध आ चुका है, 30% अपना टैंकर है ना भर चुका है। एक बार भाई जल्दी से मेरे को है ना दूध बेचना है और देखना है कि दूध से हम कितने सारे पैसे कमा सकते हैं। तो अपने टैंक के अंदर पूरा 30% मिल्क भर चुका है। अभी ये क्या भाई नीचे क्या पड़ा हुआ है, पता नहीं भाई क्या चीज है ये, शायद है ना ये गायों का मिनरल मिक्सचर होगा, चलो इसको बाद में देख लेंगे। एक बार तो हमें है ना मिल्क बेचना है और मिल्क बेचने से पहले मैं भाव देख लेता हूँ कि अपने मिल्क का कहाँ पे सबसे अच्छा भाव चल रहा है। तो ये क्या है भाई, चीज डेयरी, शायद कोई डेयरी है और वहां पे दूध का रेट है ना अच्छा मिल रहा है। तो मैं इस पे है ना लोकेशन लगा देता हूँ टैग प्लेस करके। अभी जल्दी से अपने को टैग प्लेस कहाँ पे आया है एक बार तो देखना पड़ेगा, अपने पीछे ही है शायद, ज्यादा दूर नहीं है। तो ट्रैक्टर को घुमा के एक बार मैं है ना चीज फैक्ट्री में अपने ट्रैक्टर को लेके चलते हैं और वहां पे देखते हैं हमें अपने दूध का कितना भाव मिल पाता है। अभी हमारे पास है ना 2453 लीटर है, आप याद रखना दूध कितना है और देखेंगे हमारा दूध कितने रुपए में बिकेगा। तो आप नोट कर लेना हमारे पास 2453 लीटर दूध है और अभी के हमारे पैसों की बात करें तो हमारे पास $1,20,496 है। ओके, तो ये सारी चीजें आप याद रखना ताकि हम देख सके कि हमारा दूध कितना महंगा बिका है सस्ता बिका है। तो शायद आगे तो भाई नदी है, कहाँ से जाऊँ मैं, अपने को ट्रैक्टर है ना उसी साइड से लेके जाना पड़ेगा। तो ट्रैक्टर को मैं इस साइड मोड़ लेता हूँ और ये वाला कैमरा एंगल, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, एक मिनट यहाँ पे हिरण देखी थी यार मैंने, ओ भाई देखना यार पानी के ऊपर तैर रही है भाई हिरण, देखना यार क्या जादू हिरण है भाई ये। और इसको ये देखना हिरण की स्पीड देखना भाई, इससे तेज तो मैं भाग लेता हूँ, देखना इससे आगे निकल जाऊंगा मैं, लेकिन यार आगे तो नहीं निकलने दे रही है पता नहीं क्यों, देखना एकदम कट सा मार देती है। देखो आगे निकलने दे भाई तेरे से तो मैं आगे जाके ही रहूंगा, अरे भाई जाने दे प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं भाई चक्री, ओ भाई देखो आगे निकला था मैं अभी अभी और वो साइड कट मार के भाग गई। तो यहाँ पे काफी सारी हिरण हैं और अपना ट्रैक्टर देखना कहाँ पे रह गया, तो मैं काफी दूर आ गया बीच में बकवास करते हुए। चलो दोबारा से ट्रैक्टर के अंदर बैठते हैं और जो अपना मिल्क है ना वो सेल करके आते हैं फटाफट। चल भाई चल, और ये वाला कैमरा एंगल करते हैं, इस वाले कैमरा एंगल में है ना कुछ मस्त दिखता है भाई, चलाने में मस्त मजा आता है ट्रैक्टर।
और कंट्रोल भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है इस वाले एंगल से। चलो चलो चलो, अभी ये वाला पुल है ना, यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है, और लेफ्ट लेने के बाद जो अपनी लोकेशन ना वो मेरे को दिख नहीं रही थी, लेकिन अब दिख चुकी है। चीज फैक्ट्री तो भाई बहुत ही ज्यादा मस्त है, देखना यार कितनी मस्त लोकेशन पे है। तो ये वाला कैमरा एंगल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी पतली पतली सी गली है ना, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए और अपना दूध सारा का सारा खिंड ना जाए भाई। ओके, मैं चीज फैक्ट्री के अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ पे अपने को टैंकर खड़ा करना है, और यहाँ पे सारा का सारा दूध बेच देना है। तो आप याद रखना, हमारे पास 2453 लीटर दूध है, और पैसे की बात करें तो हमारे पास $1,20,496 है। तो याद रखना कि हमारा दूध कितने में बिकेगा, और आप माइनस कर लेना। ओके, यहाँ पे ट्रैक्टर रोकते हैं, और यहाँ पे आई दबाना है हमें। चलो आई दबा देते हैं, और दूध देखते हैं भाई हमारा कितने का बिकेगा। ओके, कुछ खास बिका नहीं भाई, $2,935 का बिका भाई, $1 का 1 लीटर भी दूध नहीं बिका हमारा। क्या यार, क्या धंधा करे भाई, कुछ भी धंधा कर लूं उसी में चौपट हो जाता है यार। चलो कोई बात नहीं भाई, हमारे पास आमदनी के अभी है ना काफी सारे साधन हो चुके हैं, जैसे कि खेती हो गई, दूध हो गया, और अभी मैं आज की वीडियो में भेड़ भी पालने वाला हूँ, तो मैं ऊन वगैरह भी बेच पाऊंगा। ठीक है, जल्दी से अपने ट्रैक्टर को खेत में लेके चलते हैं, और अब मैं अपने ट्रैक्टर को काफी स्पीड से भगा सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे को कोई भी खतरा नहीं है। तो ट्रैक्टर को फुल भगा लेते हैं, और जल्दी से खेत में लेके चलते हैं ट्रैक्टर को। और ये वाला जो कट है ना, इसी कट से हमें राइट लेना है। चलो चलो चलो, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मैं बस 1 मिनट में खेत में पहुँचा दूंगा ट्रैक्टर को। अब मार्केट के पास तो आ भी गए इतनी जल्दी, और खेत हमें अभी यहाँ से दिखने लगेगा, तो आपको दिख रहा होगा सामने अपना खेत है। ट्रैक्टर को मैंने फुल 63 की स्पीड पर भगा लिया है। ठीक है ठीक है, पहुंच गए बस। ओके, दूध बेच के हम आ चुके हैं, और ट्रैक्टर से नीचे उतर के अभी है ना हमें ये देखना है कि हमें जो भेड़ फार्म बनाना है ना वो कहाँ पे बनाना है, और अच्छी सी लोकेशन देख लेता हूँ कि कहाँ पे सही रहेगा हमारा भेड़ फार्म। तो ये वाला जो अपना खेत है ना, मैंने शायद पिछली वीडियो में खरीदा था, मैं इसमें अपना एक छोटा सा भेड़ फार्म बना लेता हूँ, या फिर मैं और कहीं बनाऊँ। यहाँ पे अगर मैं छोटा सा भेड़ फार्म बनाऊँ तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ट्रैक्टर वगैरह आएंगे ना तो यहाँ पे दिक्कत करेगा वो वाला फार्म। तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया है ना यही वाला खेत रहेगा, लेकिन इस वाले खेत में अगर हम भेड़ फार्म बनाएंगे ना तो हमारे सामने दो मेनली प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहली प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो पहली प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मैं यहाँ पे अगर भेड़ फार्म बनाऊँ तो अपना खेत यहाँ से थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, और मैंने उबड़ खाबड़ खेत में अगर भेड़ फार्म बना दिया ना तो हमारे सामने इस तरह का एक और खेत में खड्डा हो सकता है। और दूसरी प्रॉब्लम की बात करें तो भाई अगर हमें इस वाले खेत में भेड़ फार्म बनाना ही है ना तो हमें इस वाले कोने में जाके भेड़ फार्म बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से अपना खेत बिल्कुल समतल है। और प्रॉब्लम की बात करें तो हमारे सामने एक बहुत ही तगड़े वाली प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो अपनी भेड़ होती है ना वो ज्यादातर घास ही खाती है, और घास खिलाने के लिए देखना भाई कितनी दूर से मेरे को घास उठा के लेके जाना पड़ेगा। यहाँ से मैं घास उठाऊंगा और वहां पे भाई अभी देखना वो लाल वाली गाड़ी मुड़ेगी ना, 1 मिनट रुको, मुड़ने देते हैं उसको। देखो अभी जो लाल वाली गाड़ी है ना वहां पे मेरे को भाई भेड़ों के लिए घास डाल के आना पड़ेगा, तो काफी दूर हमारा रास्ता पड़ सकता है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, मैंने बोला था शुरू में कि आज की वीडियो में मैं भेड़ फार्म बना के ही छोड़ूंगा, तो जल्दी से हम उस वाली जगह पे चलते हैं जहाँ पे हमें भेड़ फार्म बनाना है, और जल्दी से भाई भेड़ फार्म बना के मस्त सा रेडी कर देते हैं, और उसके बाद हम मस्त मस्त भेड़ खरीदेंगे, और देखते हैं हमें भेड़ कितने रुपए में पड़ेंगी, और ये सारी चीजें देख लेता हूँ कितने पैसे में मैं कंप्लीट कर पाऊंगा। तो अपने को पी दबाना है, और पी दबाने के बाद यहाँ पे चल के कंस्ट्रक्शन पे जाके एनिमल पे चल के शिप में जाके, शायद मैंने ये वाला जो मोड है ना ये मैंने डाउनलोड कर रखा है। एक बार जो अपना प्लेयर है ना इसको मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन में थोड़ी सी बाधा डाल रहा है। ठीक है, दोबारा से पी दबाते हैं, और यहाँ पे चल के ये रहा भाई अपना एनिमल। और मेरे को है ना 1 मिनट देख लेता हूँ कहाँ पे बनाना था भाई, भूल ही गया मैं। हाँ, इस वाले कोने में हमें फार्म बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे चल के शिप पे जाना है, और शिप में जाके जो ये सस्ता सा है ना भाई $5,000 में, ये शायद मैंने कोई मोड डाउनलोड कर रखा है, इसी वजह से हमें काफी सस्ते में पड़ रहा है। तो एक बार इसको बिल्ड करते हैं, और बिल्ड कैसे करूँ मैं इसको, यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा सा। एक बार मैं है ना थोड़ा सा इस साइड आ जाता हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि हमारा फार्म बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं। तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे अपना फार्म है ना बिल्कुल परफेक्ट है, और $5,000 में हमने एक मस्त सा बाड़ा बना लिया है अपनी भेड़ों के लिए। एक बार मैं चल के देख लेता हूँ कि हमारा बाड़ा कैसा लग रहा है। ओ भाई ठीक है ठीक है ठीक है, ₹5,000 भाई इसीलिए लिए इन्होंने, क्योंकि ये वाला बाड़ा भाई बिल्कुल ही मतलब सस्ते वाला सा है। देखना यार लकड़ियां वगैरह गाड़ रखी है, और जो मैंने गायों का और जो मुर्गियों का बना रखा है ना उसमें तो भाई स्टील का काम हो रखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने काफी सस्ते के चक्कर में है ना
यहाँ पे लकड़ियां पुरानी पुरानी लकड़ियों वाला बाड़ा सा बना दिया। चलो कोई बात नहीं, ओके है, बढ़िया है, आराम से बेड रह लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार अगर इसका हम गेट खोल के देखें तो कैसे खुलेगा? ओ भाई कितना ओल्ड मॉडल है, इसके अंदर यार कील डलती है और उसके साथ लॉक खुलता है। भाई कील को उठाओ और लॉक खुल गया, देखना यार कितना पुराना सा मैंने बेडों के लिए बना दिया। तो एक बार मैं इसको है ना बंद कर देता हूँ, बंद हो जाएगा क्या? हो जाए यार। चलो भाई बंद हो गया, अब देखना कील, देखो भाई कैसे डल गई, कील डल गई और लॉक लग गया। अभी अपने को मेन क्या काम करना है, अमेत खरीदनी है भाई मस्त मस्त सी भेड़। तो यहाँ पे ये कौन सी भेड़ है भाई, लैंड्रेस ऑफ बेंथीम, ये वाली खरीदेंगे, क्योंकि ये वाली जो भेड़ है ना ये पूरी 8 महीने की है, और ये वाली खरीदूंगा तो पहले मेरे को ये 8 महीने की बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही ये ऊन वगैरह बच्चे वगैरह दे पाएगी। तो हम भेड़ वो खरीदेंगे जो कि भाई बिल्कुल जवान हो। तो ये वाली भेड़ मैं एक बार है ना सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं कितनी भेड़ लूँ, तो यहाँ से मैं 4 भेड़ परचेज कर लेता हूँ। चलो 4 भेड़ अपने को $2,155 में पड़ रही हैं। ये वाली नस्ल तो खरीद ली, अभी दूसरी वाली ये वाली नस्ल और खरीद लेते हैं हम 4। तो जितनी भी हमारे पास नस्लें हैं ना ये सारी की सारी मैं बाय कर लेता हूँ। चलो हमारे पास 2 वैरायटी की भेड़ हो चुकी हैं, अभी तीसरी वैरायटी और ले लेते हैं हम 4, ये भी बाय कर लेते हैं। और रेट इनका लगभग सेम ही है, लगभग क्या भाई सभी का सेम ही है। अभी ब्लैक वेल्स माउंटेन, ये शायद माउंटेन वाली शिप है, तो ये वाली भी मैं बाय कर लेता हूँ। और देखता हूँ हमारी भेड़ भाई अपने फार्म पे कितनी मस्त लग रही है, और भेड़ों ने भाई मैं करना शुरू कर दिया है। ओ भाई देखना यार कितनी मस्त लग रही है, यहाँ पे क्या हो गया भाई बीच से, पता नहीं है क्या है। ठीक है, तो भेड़ देखना यार कितनी मस्त लग रही है। वैसे यार मेरे को है ना सारी की सारी व्हाइट वाली भेड़ खरीदनी थी, क्योंकि व्हाइट वाली अपने फार्म पे काफी मस्त लग रही है। देखना यार कितनी सारी भेड़ हमारे खेत में आ चुकी हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा मस्त लग रही हैं। चलो यार हमने अच्छा किया, हमारे खेत में भेड़ भी आ चुकी हैं, अभी हम ऊन का व्यापार भी कर पाएंगे। एक बार मैं है ना जल्दी से यहाँ पे जाके देख लेता हूँ कि अपनी भेड़ क्या खाती हैं। तो यहाँ पे जाके मैं एक बार देख लेता हूँ भेड़ वगैरह क्या खाती हैं अपनी। यहाँ पे चल के अपने को शिप पे जाना है, शायद सारी की सारी शिप अलग अलग खाती हैं क्या, क्योंकि इनके अलग अलग ऑप्शन आ रखे हैं। तो यहाँ पे सारी की सारी भेड़ भाई ग्रास ही खाती है, इनको ग्रास ही डालना पड़ेगा। एक बार मैं जल्दी से है ना ग्रास उठा के ले आता हूँ और जल्दी से भाई भेड़ों को डाल देता हूँ। चलो मैंने मशीन के अंदर ग्रास तो डाल लिया, लेकिन ये वाला ग्रास है ना सूखा ग्रास है, पता नहीं वो खाएंगी या नहीं खाएंगी, एक बार अपने को वहीं पे जाने के बाद पता चल पाएगा ये तो कि खाएंगी या नहीं खाएंगी। एक बार मैं मशीन को है ना भेड़ों के पास लेके चलता हूँ और देखता हूँ शायद सूखा ग्रास खा लें। वैसे ज्यादा दूर भी नहीं है यार, ये मान लो 30 सेकंड ही लगती है हमें लगभग लगभग। तो यहाँ पे चल के हमें है ना यहाँ पे खाली करना है ये, तो इसको मैं खाली कर देता हूँ। ओहो काम बन गया भाई, काम बन गया, और सारा का सारा ग्रास इन्होंने ले लिया। एक बार नीचे उतर के देख लेता हूँ कि यहाँ पे कितना सारा, मतलब कि कितना लीटर ग्रास आ चुका है, और ग्रास गया कहाँ पे भाई? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, अंदर चल के देखते हैं शायद इसके अंदर। हाँ यहाँ पे देखो सारा का सारा ग्रास इस वाली खोर के अंदर आ चुका है। तो एक बार मैं है ना और देख लेता हूँ इनको क्या चाहिए। वैसे भेड़ों का काम मस्त है यार, बस ग्रास डालो और आराम से ऊन बेच के पैसे कमाओ। गाय पालते हैं तो यार हमें बहुत सारा लफड़ा करना पड़ता है। ठीक है, एक बार यहाँ पे जाके देख लेता हूँ कि मैंने इनके यहाँ पे पूरा का पूरा फूड तो पूरा डाल दिया, लेकिन अभी इनके लिए हमें है ना वाटर वाटर की जरूरत है भाई। मैं भी सोचूं कि मैं कुछ ना कुछ तो भूल गया, तो मशीन में बैठ के एक बार इसको वहीं पे लेके चलते हैं और बेडों के लिए एक टैंक में वाटर का ले आता हूँ फटाफट। चलो फैंडिट वाले ट्रैक्टर में बैठ के जो अपना दूध वाला टैंकर है ना इसको मैं गायों के पास छोड़ देता हूँ, आराम से भरता रहेगा ये, गायें दूध देती रहेंगी और टैंक अपना भरता रहेगा। ओके यहाँ पे ठीक है, और फटाफट मैं पानी वाला टैंकर अपने ट्रैक्टर के साथ जोड़ लेता हूँ। चलो अपना पानी का टैंकर अपने ट्रैक्टर के साथ जुड़ चुका है, जल्दी से इस वाले को भी मैं शॉर्टकट से लेके जाऊंगा और जल्दी से अपनी भेड़ों को भाई पानी पिला देते हैं। भेड़ों का मस्त काम है यार, देखो अभी हमने 5 मिनट पहले यहाँ पे भेड़ों का फार्म बनाया और इनके लिए मैंने सारी की सारी चीज भी उपलब्ध करा दी, और गायों का फार्म बनाया तो यार मैं ना उनको 5 या 6 वीडियो के अंदर उनको खाना वगैरह डाल पाया था। भेड़ों की किस्मत अच्छी है यार। वैसे थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं हम पानी वगैरह डाल पाएंगे या नहीं, शायद थोड़ा सा इस साइड लेके जाना। हाँ यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे पानी डालना भेड़ों के लिए शुरू हो चुका है। नहीं भाई नीचे नहीं उतरना वरना पानी स्टॉप हो जाएगा।
वाटर इज नॉट एक्सेप्टेड एयर, तो भाई इनकी टंकी शायद भर चुकी है बेडों की। और बेडों की टंकी का मैं थोड़ा सा आपको सिस्टम दिखाऊं, तो एक मिनट रुको। ये देखो भाई, इनके ये वाली जो ऊपर छत है ना, इसके अंदर पानी भरता है, और इसके अंदर मैंने काफी सारा लीटर पानी डाल दिया। अभी आराम से भेड़ पीती रहेंगी और यहाँ पे पानी वगैरह आता रहेगा। तो पानी हो गया इनका और खाना हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में शायद ये हमें वुल वगैरह दे पाएंगी। एक बार मैं इनकी हेल्थ वगैरह भी सारी चीजें चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे चल के अभी इनकी हेल्थ तो भाई बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी खाना डाला है ना, तो नेक्स्ट पार्ट तक अच्छी खासी हेल्थ इनकी हो जाएंगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और तो कोई चीज देखने वाली नहीं है, हमने सारी चीजें इनके लिए पूरी कर दी है। तो आज की गेम प्ले वीडियो में बस इतना ही। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट जरूर कर देना। बाय बाय।